भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचारी अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता वासुदेव देवनानी ने परिवहन अधिकारियों के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। सदन के बाहर इस आरोप पर जवाब देते हुए सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने पिछली बीजेपी सरकार पर पलटवार किया और कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचारियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जिस पार्टी के राष्ट्रीय नेता नोट हाथ में लिए हुए नोट को भगवान के बराबर खुदा के बराबर बताते रहे हो, उस पार्टी के लोगों को नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन मैं कांग्रेस की तरफ से अश्योर करता हूं कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, कोई कितना ही बड़ा हो और कितना ही छोटा हो। जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।